हेलो एवरीवन वेलकम टू मेडिकल पॉलीमेट आई एम कराची एंड टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट एक्यूट इन्फेक्शस डिजीज़ टिटेनस तो टिटेनस क्या है ये एक्यूट डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टीटैनी के कारण होती है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी और ये क्लास्ट्रीडियम टीटैनी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है एन एरोबिक कंडीशन में रहता है एन एरोबिक कंडीशन मतलब जिधर ऑक्सीजन ना हो तो ऐसी कंडीशन में पनपता है बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी और हमारे टिटनस किसके वजह से होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी की वजह से खासियत यह है क्लोस्टिडियम टिटैनिक की ये स्पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म है ठीक है स्पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म मतलब वो स्पोर एक कोटिंग अपने अपने आजू बाजू एक कोटिंग बियर करता है जिसे हम स्पोर कह रहे हैं होने के कारण ये इन्वामेंटल स्ट्रेस से हमें रेजिस्टेंस शो करता है जैसे कि अगर जैसे कि अगर हम इसे बॉईल करें तो भी ये बैक्टीरिया किल नहीं होता है केमिकल्स वगैरह अप्लाई करें इसके ऊपर या डाइज अप्लाई करें तो भी ये इन सभी चीज़ों के प्रति रेजिस्टेंस शो करता है मेंटल स्ट्रेस में रेजिस्टेंस शो करने के कारण ये बैक्टीरिया हमें मेनली सॉइल में देखने को मिलता है और सॉइल में ये बहुत ही लंबे टाइम तक रहता ही है तो उसके अंदर सॉइल के थ्रू ये बैक्टीरिया अंदर उसकी बॉडी में आ जाता so है लेट्स मूव टू द डेफिनेशन सो बाय डेफिनेशन टिटेनस एक्यूट डिजीज है विच इज इंड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया क्लोस्टियम टिटेनी और अगर क्लिनिकली देखें कि इसके क्या सिम्टम्स आते हैं सो क्लिनिकली इट इज़ मैनिफेस्टेड बाय मस्कुलर रिजिडिटी मतलब मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है ओके okay. मसल्स पूरे टाइम कॉन्ट्रैक्शंस दिखाती है रिलैक्सेशन शो नहीं करती उसे हम मस्कुलर रिजिडिटी कहते हैं मस्कुलर रिजिडिटी में भी क्या होता है स्पाजम हो जाता है वॉलेंट्री मसल्स का वॉल्ट्री मसल्स मतलब जो हमारे विल के अकॉर्डिंग चलती है लाइक मूवमेंट ऑफ दिस हैंड इज वॉलेंट्री मूवमेंट तो इसमें स्पाजम इस मिल जाता है वॉलेंट्री मसल्स का वॉलेंट्री मसल्स इसलिए कॉन्ट्रेक्शन दिखाती है क्योंकि ये जो क्लोसीडियम टीटैनी है एक एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं टिटैनोज पाजमिन टीटैनोज पाजमिन ओके सो गाइज ये टिटेनोज पाजमिन रिलीज करता है जो कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है तो ये जो टीटानोज पाजमिन है ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कैसे दिखा रहा है कंटीन्यूस कॉन्ट्रेक्शन मतलब परसिस्टेंट बने हुए कॉन्ट्रेक्शन ये कैसे हो रहा है हमारे मसल्स में दो एक्टिविटीज़ होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन तो ये जो एक्सोटॉक्सिन है जो कि क्लोसीडियम टिटैनी निकाल रहा है टीटेनो इस में ये क्या करता है जो रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस होती है मसल्स में उसी को ब्लॉक कर देता है तो मसल्स में रिलैक्सेशन होता ही नहीं है और वो कंटीन्यूस परसिस्टेंस उसमें क्या बना रहता है कॉन्ट्रैक्शन स्टिफनेस रिजिडिटी ठीक है ये सब मसल्स में तो ये मसल में बना रहता है रिजिडिटी तो कौन सी वॉलेंट्री मसल्स में सबसे पहले कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलता है जॉ के मसल में जिसे हम कहते हैं लॉक जॉ वाली कंडीशन मतलब पेशेंट का जो जॉ है वो अब ओपन नहीं हो पाता है उसे हम कहते हैं लॉक जॉ क्योंकि जो जॉ के जो मसल है वो मैसेटर मसल रहती है तो उसी में कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है तो ये जो लॉक जॉ वाली कंडीशन है उससे हम कहते हैं ट्रिसमस फर्स्ट साइन ऑफ इनिशियन ऑफेस अगर फेशियल मसल्स में रिजिडिटी देखते हैं हम परसिस्टेंट तो, तो वो कंडीशन को हम कहते हैं रिसोनिकसार्डोनिकस मतलब पेशेंट अपने टिथ को क्लेंच करके रखता है और उसकी नेक की मसल भी एकदम ही कॉन्ट्रेक्शन uh, एकदम खिंची हुई स्ट्रेच दिखती है तो टिपिकल एक फेस का एक्सप्रेशन बनता है जिसे हम कहते हैं राइसस सार्डोनिकस इसके बाद बहुत ही डेंजरस कंडीशन जिसे मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसे कहते हैं ऑफिस टू टोनस ऑफिस टू टोनस का हिंदी में मतलब होता है धनुषाकार मतलब जैसे धनुष होता है वैसे ही उसकी बॉडी का कर्वेचर हो जाता है उसकी बॉडी जो है उसका जो स्पाइन है वो ऊपर की तरफ ऐसा आ जाता है ये इसे ये इसके पैर है तो जो उसकी नेक की मसल है और उसकी जो स्पाइन की मसल है वो इस प्रकार के आकार में आ जाती है जिसे हम कहते हैं टोनस कंडीशन टिटेनस में इस्पाजम इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं कि इवन फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं अब टिटेनस कभी कभी इतनी सीवियर कंडीशन हो जाती है कि पेशेंट अपनी टंग को ही अपने तित से पूरा कट कर लेता है तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी की कंडीशन बन जाती है जैसे कि टोनस हो गया या फिर टंग को अगर कट कर लिया ओके इसके अलावा अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें जो जनरल फीचर्स रह गए जैसे कि अगर रेस्पिरेटरी मसल्स में ही स्पाज़म आ रहे तो पेशेंट प्रॉपर्ली सांस नहीं ले पाएगा तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगी बॉडी में बैक्टीरिया है इन्फेक्शन है इसके कारण उसका टेम्परेचर रेज होगा तो फीवर वाली कंडीशन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं अगर एक्सेसिव स्पाज़म हो गया मसल्स का तो इतना ज़्यादा अगर जैसे मैंने बताया आपको ऑफिस टू टोनर्स वाली कंडीशन इतना ज़्यादा स्पाज़म हो गया तो फ्रैक्चर्स की फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं हेड एक हो सकता है इसके अलावा पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा इरीटेबिलिटी होती है और बर्निंग सेंसेशन आता है अब हम बात करते हैं रिजर्वा ऑफ इन्फेक्शन की कहाँ पर थटनेस का बैक्टीरिया रहता है तो ये रहता है सॉइल में डस में नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की कि ये बैक्टीरिया इस्पाजम इतने ज़्यादा शो कैसे कर रहा था रिलीज करता है एक टॉक्सिन जिसे हम कह रहे हैं एक्जोटॉक्सिन ठीक है तो ये जो एक्जोटॉक्सिन है ना ये डैमेज करता है मोटर एंड प्लेट को स्पाइनल कोर्ड में प्रेजेंट है तो यहाँ के जो नर्व्स है यहाँ के जो मोटर एंड प्लेट्स है इसको ये एक्सोटॉक्सिन डैमेज करता है और जिसके कारण मोटर एंड प्लेट के डैमेज होने की वजह से बॉडी में एबनॉर्मल स्पाजम देखने को मिलते हैं एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन आते हैं इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सोटॉक्सिन जो है ये बहुत ही ज़्यादा डेडलियस रहता है मतलब सेकेंड मोस्ट डेडलियस इसके जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो रहता है बोटुलिनम टॉक्सिन नहीं ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन रहती है इसलिए इसमें अब प्रॉपर इम्यूनाइजेशन वग़ैरह प्रॉपरली हम लोग ले रहे हैं तो इसके केसेस कम होते जा रहे हैं साथ ऐसे दो कस्टम्स जुड़े हुए हैं जिसके कारण ये बैक्टीरिया पहले ज़्यादा होता था सबसे पहला तो न्यून एटल टिटनस मतलब जो बच्चों में टिटनस पहले बहुत होता था तो ये क्यों होता था ये इसलिए होता था कि पहले के टाइम पे क्या होता था जब डिलीवरी होती थी और जब कट करते थे अम्बेलिकल कॉर्ड को तो उस जगह पर डंग मतलब गोबर लगा दिया जाता था और उसी गोबर में बैक्टीरिया रहता था क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी और ये इतना ज़्यादा फैटिलिटी रेट शो करता था न्योनेटल टिटेनस की एट्टी टू नाइनटी परसेंट ना इसकी फर्टिलिटी रेट थी मतलब बहुत ज्यादा बच्चे इसके कारण मर जाते थे हुआ मेडिकल केयर एडवांस हुई तो पानी प्रथाए थी उसे बंद किया गया और अब न्यूनिटल टीटेस बहुत ज्यादा कम हो गया तो सेकेंड वेराइटी ऑफ टिटेनस ये भी था ट्रोमेटिक टीटेनस मतलब कहीं ट्रोमा लगा है कहीं पे चोट लगी लग है तो वहाँ पे अगर आप सॉइल लगा दोगे तो जो है वहाँ पे तो एनरोबिक कंडीशन है ना मतलब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम है तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी वो ग्रो करता है क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम टीटानी एनोरोबिक कंडीशन में ही रहते हैं पर अब ये सब चीज़ें कम हो गई है और टिटनेस भी अभी कम हो गया है क्योंकि इम्यूनाइजेशन भी आ गया है ठीक है वैक्सीन भी लगती है एक रिकमेंडेड डोज भी रहता है टिटनेस टॉक्साइड का